नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। अफगानिस्तान का वो इलाका जहां के बाशिंदे दो ऐसे कबीलों से ताल्लुक रखते हैं जो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। हर साल की तरह आज फिर दोनों कबीले मिल रहे हैं बुजकशी के लिए। बुजकशी कहने को तो एक खेल है मगर एक खूंखार जंग से कम नहीं। बुज यानी बकरे को उठाकर तयशुदा मंजिल तक ले जाने वाले कबीले की फतेह होती है। हर घुड़सवार बुज को हासिल करने के लिए वाजिब और नावाजिब तरीके से दुश्मन पर वार करता है, जैसे ये कोई खेल नहीं, जिंदगी और मौत की बाजी है।
Come on.
ओए बादशाह खान, ये क्या किया तुम? फतेह को शिकस्त में बदल दिया। बिजली गिर गई है मेरे दिल पे। बादशाहबाजी नहीं, जिंदगी हार गया है। खुदा बख्शे, तूने तो हमेशा मेरी मुश्किल हल की है, ये मुश्किल भी हल कर दे। इसे हासिल करने का कोई रास्ता बता। मेरे नजीर को हासिल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? मौत। Thank you.
बादशाह खान, तुम्हारी हरकतों में गुस्सा भी आता है और हैरत भी। तुम्हारा जुनून दोनों कबीलों के दरमियान जंग का सबब भी बन सकता है। हमारा जंग हुस्न से है, कबीले से नहीं बेनजीर। बहुत लंबा जुबान हो गया इसका, काटे बगैर सटा नहीं होगा। हमारे सरदार की जुबान काटने से पहले हम तुम्हारे तलवार का इतना टुकड़ा कर देगा कि बटोरते बटोरते तुम्हारी उम्र कट जाएगी। खुदा बख्श, जाहिल की बातों का जवाब खामोशी होता है। मुझे जाहिल कहता है बेनजीर, हम तुमसे निकाह करेगा। ये नामुमकिन है बादशाह खान। बादशाह नामुमकिन को मुमकिन करके रहेगा। इसके लिए तुम्हें हिंदुस्तान की खाक छाननी पड़ेगी। छानेगा? ये क्या पागलपन है बादशाह? मेरे अब्बा के कातिल हबीबुल्लाह का सर लाना पड़ेगा। लाएगा, होश में आओ बादशाह खान, होश में। इस इम्तिहान में तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो तो पहले ही कुर्बान हो चुकी है तुम पर बेनजीर। बादशाह खान, अगर ऐसा हुआ तो बेनजीर तुम्हारी हो जाएगी। बेनजीर, तुम हमारी हो गई। देख रहा है, रो किसे, वरना हिंदुस्तान के खाब छाते छाते वो खुद खाब में मिल जाएगा। कोई नई बात नहीं है अम्मी जान, वो इश्क ही क्या जो हुस्न पर कुर्बान ना हो जाए, वो परवाना ही क्या जो शमा पर निसार ना हो जाए। क्या ख्याल है खुदा बख्शे, ठीक काम है ने? ओए लाले दी जान, मेरे अजीज दोस्त, तेरा बादशाह इतनी दूर जाता है और तुम उससे नाराज होता है, मुंह मोड़ता है। तुम हमको क्या समझता है बादशाह? पत्थर का बुत खुद मौत के मुंह में जाता है और दोस्त से कहता है गले लग जा। खुदा बख्शे, जिंदगी और मौत का फैसला तो आसमानों पर है, इतना मत सोच, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है बादशाह खान, तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। मेरी नजरों से देख, वो रही मेरी मंजिल बेनजीर के कदमों में। ओए पाशा खान, देख ले जरा गौर से हबीबुल्लाह की तस्वीर को। बेनजीर को हासिल करने का जल्दी में किसी गधे का सर काट के मत ले आना। हबीब के हवाला बख्श। हुमायूं, किसी गधे का सर काट कर अगर बेनजीर को हासिल करना होता तो मैं तेरा सर तेरे धड़ से कब का अलग कर चुका होता। मुझे नहीं लगता है बादशाह खान कि तुम लौट कर आ सकोगे। रोशनी घर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। इजाजत मेरे महबूब। खुदा हाफिज बादशाह खान, खुदा हाफिज। एक मुस्कुराहट का सवाल है। मुश्किल है बादशाह खान। मुश्किल को आसान कर दो मुश्किल कुशा, जाऊंगा नहीं उसके बगैर एक मुस्कुराहट। और थोड़ा, बस थोड़ा सा और। मरहबा मरहबा लाले दी जान, कुर्बान कुर्बान कुर्बान। इश्क का निशान हुस्न के नाम। बेनजीर, जब जब तेरी नजर इस परचम पर जाएगी,
बादशाह खान के दिल को छुएगी। जब जब ये परचम हवा में लहराएगा, तेरे दिल की धड़कनों में बादशाह खान के दिल की धड़कन सुनाई देगी। जब जब तेरे नाजुक हाथ इस परचम को छुएंगे, तेरे हाथों की खुशबू से बादशाह खान की रूह तक महक जाएगी। अलविदा बेनजीर। अलविदा। अलविदा खुदा बख्श। अलविदा। अलविदा कबूल। ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान है, इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान। मोहब्बत जिसके लिए फरहाद ने पहाड़ों का सीना चीर कर दूत का दरिया बहा दिया, मोहब्बत जिसके लिए मजनू ने सहराओं की खाक जानी, उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान सरजमीन हिंदुस्तान से मोहब्बत का खैर मांगने आया है। आजमाइश कड़ी है, इम्तिहान मुश्किल, लेकिन हौसला बुलंद। जीत हमेशा मोहब्बत का हुआ है, सदियों से यही होता आया है, यही होगा, खुदा गवाह है, खुदा गवाह है। एक साल तक हबीबुल्ला की तलाश में बादशाह खान हिंदुस्तान की खाक छानता रहा, लेकिन कामयाबी उसके हाथ न लगी। भूल जाओ बादशाह खान को बेनजीर, अंधे कुएं से कोई वापस नहीं आया है। अव्वल तो हबीबुल्ला उसे मिलेगा नहीं, और अगर मिल गया तो हबीब का भाई पाशा तुम्हारे बादशाह खान का टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। भूल जाओ, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। ये क्या किया तुम पे नजीर, तभी हुई आग को हवा दे दी। मैं तो निकाह का तकाजा करने आया था, अब निकाह की मोहर लगा के ही जाऊंगा। जन्म में फेंक दिया खबीज को। पूरा एक साल हो गया, बादशाह की खैरियत की खबर तक नहीं आई। वो आएगा ना? आंधी की तरह गया है, तूफान की तरह आएगा, और जिस दिन वो वापस आएगा हम तुम्हें बेनजीर नहीं भाभी जान करके बुलाएगा, समझा भाभी जान। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम बादशाह। वालेकुम अस्सलाम लालेदी जान। ओए खोचे, तुमको हमारा नाम कैसे मालूम है? अम्मी कहती है ग्राहक मेहमान होता है और मेहमानों को बादशाह समझकर उनकी खातिर करना चाहिए। ओ बच्चे, ये तो बहुत अच्छा ख्याल। तुम्हारी अम्मी तुमको नेक तरबियत दिया। अस्सलाम वालेकुम खान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह, ये मेरी अम्मी है। आदाब। तुम हमको भाई बोला, हमको अच्छा लगा। खुदा कसम हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा कोई बहन नहीं है स्वास्थ्य। मेरा भी कोई भाई नहीं है खान भाई। खुदा ये रिश्ता मुबारक करे। आइए अन्नत तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम हबीबुल्ला भाई। हबीबुल्ला हमको माफ करना भाई, पहचानने में गलती हो गया। माफ करना हमको, पहचानने में गलती हो गया। क्यों आए हो यहां? अपने बेटे से मिलने? इस हालत में मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दूंगी। मेरा बेटा एक ऐसा हाफ आंखों में बसाकर सो रहा है जिसमें तुम एक ईमानदार और नेक इंसान हो। उसका हाफ मैं तुम्हें नहीं तोड़ने दूंगी। जान दे दूंगी लेकिन अपने बेटे पर तुम्हारा मनोसाया तक नहीं पड़ने दूंगी। वो तुम्हारी तरह जानवरों की नहीं इंसानों की जिंदगी जिएगा। जानवर कहती है? मुझे जल रखे थे। ओए लानत है तुझ पर शैतान का बच्ची। औरत पे हाथ उठाता है। कौन है ये तेरा यार? हबीस का औलाद। आई को बहन का यार बोलता है। आई यार बोलता है। यार बोलता है। तूने मुझ पे हाथ उठाया, एक अफसर पे। दो मिनट अंदर कर दूंगा तुझे मैं। ओए होचे, खुदा के बंदे को शैतान के अंदर करेगा। जा जा जा, चला जाने तो हड्डी गोश्त से अलग कर देगा। देख लूंगा मैं तुझे। क्या देख लेगा तू? जाओ बहन जाओ, वो अब इधर नहीं आएगा। अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ भाई, जाओ। हबीबुल्ला, दुनिया में अभी तक वो फंदा तैयार नहीं हुआ है जो पाशा भाई के होते हुए इस हबीबुल्ला की गर्दन तक पहुंच सके। इस पिंजरे के साथ वो मुझे उड़ा ले जाएगा, उड़ा ले जाएगा। पाशा नाम है उसका, पाशा। पाशा, अरे ओ पाशा, बाबा जैसा खौफनाक है भयानक मालिक वैसा ही उसका इलाका। नाम भी सही रखा है, कब्रिस्तान। अरे ओ पाशा, कबूतर है जिन्होंने मुझे ललकारा और मेरे सामने सर उठाया, मेरे सामने सर उठाया। गद्दारी की मेरे साथ, गद्दारी की, गद्दारी की मेरे साथ।
लेकिन मैंने तो कोई गद्दारी नहीं की आपके साथ पाशा भाई। मेरा भाई हबीबुल्लाह तेरी जेल में है और तूने उसको भागने का मौका दिया, नहीं ना, ये गद्दारी है। बाकी बाकी सब खैरियत है। तो कैसी खैरियत है पाशा भाई, आपके लोग मुझ पे मिट्टी डाले जा रहे हैं। मैंने तो उसको भगाने की लाख कोशिश की थी लेकिन जेलर रणबीर सिंह ने सख्त पहरा लगा रखा है। मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए। पाशा भाई आपके चार आदमी मैं पुलिस के पहरेदारों के साथ मिला दूंगा। हाँ। वर्दी मैं चुरा के ले आऊंगा। हाँ। और आप दूर से जेलर को गोली से उड़ा देना। उड़ा दूंगा साले को। उसके बाद आपका भाई छूट जाएगा। नसीब से लड़ाई मत करो खान भाई, भूल जाओ हबीबुल्ला को और अपने वतन वापस चले जाओ। ओ सलमा बहन, कमान से निकला हुआ तीर, आसमान से टूटा हुआ तारा और मर्द की जबान से निकला हुआ कौल कभी वापस नहीं होता। बादशाह हबीबुल्ला मिल गया, ये देखो वो यहाँ की जेल में। ओ बच्चे, तुम हमको हबीबुल्ला ला कर दिया, बहुत बड़ा एहसान किया तुम बच्चे पर। पठान तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा बच्चे। बादशाह खान काबुल से आया है। क्या चाहिए तुम्हें? हबीबुल्लाह का सर। ये रणवीर सिकर की जेल है, तुम्हारे काबुल का कोई पिंजरा नहीं जिसमें से तीतर या बटेर निकाल कर तुम्हें दे दो, समझे? ओए हबीस का बच्चा, क्यों फिजूल का बात करता है? हम पठान है पठान, उल्टा सीधा बात सुनने का आदत नहीं हमको। और मैं भी राजपूत हूं खान, ये आदत मुझ में भी नहीं है। राजपूत तो मर्द का बच्चा होती, मर्द का माफिक बात करो, बाहर निकालो उस नामर्द को, हमको उसका सर चाहिए। हबीबुल्ला कोई बुजकशी का बकरा नहीं है जिसे तुम अपनी तलवार की नोक पर उठाकर यहां से ले जाओगे, समझे? क्या कहा कैदी मेरी जिम्मेदारी है, जो सजा पूरी करके यहां से बाहर जाता है या मर के। हबीबुल्ला तुम्हारा कानून का मुजरिम होने से पहले हमारा कौम का मुजरिम है, हमारा मुल्क का दुश्मन है, सजा उसे हमारा मुल्क का कानून देगा, तलवार देगा, समझा? बादशाह खान, हबीबुल्ला को सजा मिल चुकी है, कल सूरज निकलने से पहले उसे फांसी होने वाली है, सरे बाजार चौराहे पर। तो फिर खुदा पाक का कसम राजपूत खान, या तो ये पठानों से वापस लेकर जाएगा या फिर कल सूरज भी निकलेगा।
वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। पाशा भाई तो तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। मिलाओ हाथ। ओए होचे, जिंदगी मौत से हाथ मिलाना चाहती है? मौत, मौत तो बहुत पीछे रह गई। सामने भी वही है कमीने। ये तुम क्या कह रहे हो? इंसाफ। कैसा इंसाफ? बेनजीर के बाप की पीठ में खंजर उतार कर जो तूने दो कबीलों को दुश्मन बनाया, मैं उनको दोस्त बनाने जा रहा हूं। तेरी गर्दन काट कर। ए पठान, अरे क्यों मारना चाहता है इसको? भैया ये भी बेनजीर का आशिक लगता है, मुझे मारकर उसे हासिल करना चाहता है। उड़ा दो इसे, उड़ा दो। अबे चुप, उड़ा दे भैया, उड़ा दे। ए बंदूक नीचे। हाँ, ये पठान तो दोस्त है अपना, बिरादर है। अरे पठान, कौन है तू भाई? तुम कौन? ओए ताबेदार है खान साहेब, ताबेदार है। और नाम छोटा सा है, छोटा सा नाम, पाशा। पाशा अगर काम बहुत खतरनाक करता है, बाकी सब खैरियत है भाई। ओ कमीज, ये मेरा शिकार है, इसको पूछा वरना। अरे वरना क्या? वरना एक नहीं दो सर काटना पड़ेगा मुझे। ए पठान, अपने सर की खैर मना। अरे पीठ दिखाकर ताबेदार हो जा, वरना तेरा सर काबुल जरूर जाएगा। वो खबीस का बच्चा। हबीबुल्लाह, मेरा नहीं, इसका सर। बहुत बहुत तो था तुम, अभी बोलो बोलो।
शुक्रिया राजपूत खान, वक्त पर आकर तुम हमारा जान बचाया। तुम्हारा यह एहसान हम पर कर्ज रहेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ये क्या? हथकड़ी, तुम्हारी गिरफ्तारी के लिए। ओए लाले दी जान, खुद ही जान बचाता है पे खुद ही हथकड़ी पहनाना चाहता है। जान बचाना इंसानियत थी बादशाह खान, हथकड़ी पहनाना फर्ज। कैसा फर्ज? हमारे मुल्क के कानून की नजर में तुमने जुर्म किया है। और क्या कानून है? तुम्हारा कानून तो इसको फांसी देने वाला था, इसको तो मरना ही था। तुम नहीं मारा, हम मार दिया, बात बराबर। यही तुम्हारा जुर्म है। राजपूत खान, इसका लाश तो हम काबुल लेकर जाएगा, हमको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। पठान, तुम्हारे सामने एक राजपूत खड़ा है और जान की बाजी लगाना वो भी जानता है। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अच्छे, हम इजाजत नहीं मांगा, ओई अपना फैसला सुनाया। तो फिर मैंने भी फर्ज का फैसला सुना दिया है। फर्ज और कर्ज की टक्कर ना हो तो अच्छा है। देखो राजपूत खान, इस खुददार की वजह से हमारा दो कबीलों में बहुत झगड़ा है। ओई, ये खूनी है, इसने बेनजीर के बाप को मारकर हमारे दो कबीलों में बहुत दुश्मनी पैदा कर दिया। बेनजीर? कौन बेनजीर? वो जो बादशाह के दिल का हिस्सा बन चुकी है। इसकी लाश हम बेनजीर के कदमों में डालेगा तो वो बादशाह को कबूल करेगी, ऐसा उसका दावा था। नहीं बादशाह, नहीं, मेरा फर्ज तुम्हें ऐसा करने से रोकता है। देखो राजपूत खान, तुम बात समझने का कोशिश करो। हम वापस जाएगा तो दो कबीलों में सुलह होगा, अमन होगा, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगा। हम बेनजीर से निकाह कर सकेगा। देखो राजपूत खान, हम तुमसे वादा करते हैं, अभी हमको जाने दो। 30 दिन के अंदर हम खुद तुम्हारे पास आएगा, तुम अपना फर्ज पूरा कर लेना। ये पठान का जबान है, पठान का जबान। ठीक है, जाओ बादशाह, जाओ तुम। लेकिन याद रखो, राजपूत ने एक पठान पर भरोसा किया है। आज से बराबर 30 दिन के बाद फिर मुलाकात होगी। बाबी जान, तुमने मुझे भाभी जान कहा होता फर्ज? हाँ, वो आ गया भाभी जान, बादशाह खान वापस आ गया।
सुभान अल्लाह।
मिलाया था ना पाशा खान ने मेरे भाई का खून। याद रखना ये जगह अजीज मिर्जा, मैं भी उस हरामजादे का खून इसी मिट्टी में मिला दूंगा। ये लकीर बादशाह की जिंदगी की सरहद है, वो हबीब की जान की कीमत अपनी जान से देगा, बाकी सब खैरियत है। बादशाह, जिंदगी में एक और पूरा ना किया तो फर्क क्या पड़ेगा? बेनजीर, ओ ये तुम क्या कहती जान, शेर का बच्ची होकर बुजदिली का बात करती है? तुम जानते हो कि मैं बुजदिल नहीं हूं, लेकिन क्या करूं, डरती हूं कहीं तुम्हारी जुदाई मुझे पागल ना कर दे, कैसे समझाऊं इस कमबख्त दिल को? संभालो इसे, समझाओ, दिल की हद से आगे भी एक हद होता है बेनजीर, जो अपनी जबान को धोखा दे सकता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है, खुदा को भी तुमको भी। धोखा गुनाह है जाने बहार गुनाह। मुझे ये गुनाह मंजूर है, अपनी बेनजीर के लिए ये गुनाह भी कर डालो। ओह बेनजीर, बेनजीर के लिए बादशाह एक नहीं 100 गुनाह कर सकता है, लेकिन फिर बादशाह नहीं रहेगा, जिल्लत और शर्म से मर जाएगा। वो बहादुर राजपूत इस पठान का जबान का आन रखा, और ये पठान खुद अपना जबान को धोखा दे दे। ये लो लो ये खंजर, और उतार दो इस एहसान फरामोश के सीने में। लो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। मेरे बादशाह।
शहान भाई साहब पूरा हो गया। हमें जेलर रणबीर सिंह सेकरी, 5 मिनट में सूरज डूब जाएगा, साथ ही तुम्हारे 1 महीने की मोहलत का सूरज भी डूब जाएगा। कानून की नजर में तुम भी मुजरिम हो जाओगे। सर, सच और झूठ के दरमियान अब भी 5 मिनट का फासला है। जो फासला 30 दिनों में पूरा ना हो सका, वह भला 5 मिनटों में कैसे हो जाएगा? अजीज मिर्जा, बादशाह खान मर्द है, जान दे देगा, धोखा नहीं देगा। और फिर तकदीरें बदलने के लिए एक लम्हा भी काफी होता है। अब ये फीते उतार दो जेलर साहब, धोखा दे गया आपको वो पठान। अच्छा खान, राजपूत खान, ये पठान अपना वादा पूरा किया। चलो बादशाह खान, इसे राखी कहते हैं, इसे मेरी पत्नी ने तुम्हारी कलाई में बांधा है। हम हिंदुस्तानी औरतें अपने भाई के कलाई में राखी बांधते हैं और हमारे भाई हमारी स्वाग की रक्षा करते हैं। जो तुमने की है, एक राजपूत को शर्मिंदा होने से तुमने बचा लिया। खोचे क्या बोलता है तुम, वो दोगला पाशा अगर हमारा गर्दन भी काट देता तो हम अपना गर्दन अपना हाथ में लेकर आता था। कैसा अजीब मर्ज है ये इश्क, महबूब के आने की उम्मीद में हर रोज चिराग जलाकर बैठ जाती है। कब रात हुई, कब सुबह हुई, इतना भी होश नहीं है इस दीवाने को। कब आ रहा है मेरा बादशाह? 5 साल के बाद। 5 साल? क्यों खुदा बख्श, क्यों आज, क्यों नहीं कल, क्यों नहीं? हिंदुस्तान के कानून ने मुजरिम करार मानकर सजा दे दी उसे। मोहब्बत के दीवाने को सजा? क्या हिंदुस्तान के पास दिल नहीं है, वो धड़कन नहीं है जिसे मोहब्बत कहते हैं? मैंने सुना था मोहब्बत का समंदर है वो, तो ये क्यों नहीं सोचा? दो दीवाने इतनी दूर एक दूसरे के बगैर कैसे जिएंगे? अल्लाह, हजारों रातें हजारों दिन मेरे बादशाह के बगैर। रब्बा, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, क्या किया?
को याद करूं, एक फरियाद करूं, रब को याद करूं, एक फरियाद करूं, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, बिछड़ा यार मिला दे ओए रब्बा, मेरा दिलदार मिला दे ओए रब्बा, اللہ تعالیٰ نے جیلر خان کو اولاد بخشا، ہاں بیٹی، اور اس کا نام ہم رکھا، ہم لاؤ یہ مٹھائی، اب میں اسے بانٹتا ہوں اپنی دوست کے خوشی کے لیے۔ وہ کیسا خوشی؟ وہ جلدی بولو برادر، کیسا خوشخبری؟ اے لالے دی جان، تم باپ بن گئے ہو، باپ۔ باپ؟ ہاں، اور اتفاق کی بات یہ ہے بادشاہ خان، میرے بیٹی کے جنم دن کے دن ہی تمہارے بینظیر نے ایک اور بینظیر کو جنم دیا ہے۔ کیا بولتا ہے یوہی؟ ہاں بادشاہ۔ اوہ بادشاہ خان، تم نے میری بیٹی کا کیا نام رکھا ہے؟ ہنا؟ اور اب میں نے تمہاری بیٹی کا کیا نام رکھا ہے معلوم؟ تو خوچے ہم کو کیا معلوم؟ اسی نام کا ہندوستانی انواد مہندی۔
कैसी लगती हूँ अंकल? ओ, बच्ची बहुत खूब बहुत खूब। चलिए मेरे साथ। किधर? खेलने। ओ बच्ची तुम जाओ, हम नहीं आ सकते। आप नहीं आएंगे मेरे साथ, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। हूँ कट्टी। जेलर रणवीर सिंह सेकरी, तेरी बच्ची मेरे कब्जे में है। अगर अपनी बच्ची की जान की खैरियत चाहता है तो बादशाह खान को मेरे हवाले कर दे। बादशाह ओए होचे राजपूत खान, अजीब किस्म का बाप है तुम। वो हबीज लोग तुम्हारा बच्ची उठाकर ले गए और तुम इधर बैठा है। अरे हमको बोलो, हीरा बेटे को हम जान पर खेल कर वापस लाएगा, हम लाएगा। बादशाह खान, अपनी हिना बेटी को वापस मैं भिला सकता हूं, लेकिन मैं अपने फर्ज के हाथों मजबूर हूं। खुद से ऐसा कौन सा फर्ज है जो बाप को बेटी की जान बचाने से रोकता है? हमको बोलो, हमको समझाओ। राजपूत खान, कौन सा फर्ज है वो? वो फर्ज जो एक जेलर का अपने कैदी की तरफ होता है, वो फर्ज जो एक दोस्त का अपने दोस्त की तरफ होता है। मैं अपने दोस्त की जान। ओए क्या छुपाता है तुम? इधर लाओ तुम। इसको बादशाह खान का जरूरत है और तुम ठीक है। बादशाह खान तेरे पास आएगा, मुझे का औलाद हम खुद आएगा। नहीं नहीं खान, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ओ क्या बात करता है तुम, क्या बात करता है तुम। हम नहीं जाएगा तो काफिर लोग हमारा बच्ची को मार डालेगा हमारे बच्ची को। बादशाह खान, मैं जान के बदले जान का सौदा नहीं करूंगा। 4 दिन के बाद तुम आजाद हो जाओगे, अपने घर जा सकोगे। ओए खोची, ये हमारा घर नहीं, ये भी हमारा घर है। हिना हमारा बच्ची है, अपने बच्ची के वास्ते हम जान का बाजी लगा देगा, खुशी से जान का बाजी लगा देगा। देखो खान, मैं अपने बच्चे की जिंदगी के लिए तुम्हें मौत नहीं खरीदने दूंगा। नहीं, दोस्त के वास्ते अपना बच्ची का जान का कुर्बानी देना चाहता है। क्या समझता है पठान को, क्या समझता है? इतना बड़ा एहसान लेकर जिंदा रह सकेगा हम? मैं मौत मर जाएगा, मैं मौत। हटो हमारा रास्ते से, हमारे बच्चे को हमारा जरूरत है। खान जिद मत करो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रास्ता मत रोको राजपूत खान, उधर खास तो कुछ हो गया तो कयामत आ जाएगा। हटो। नहीं खान, नहीं। माफ करना दोस्त, मुझे गलत मत समझना, लेकिन इस दीवानगी से तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है, और फर्ज के सामने मैं अपने सब रिश्ते भूल जाया करता हूं, मुझे माफ करना। तो ये पठान भी फर्ज के लिए कुछ भूल सकता है। राजपूत खान हमको माफ करना। खान अंकल, मेरे बच्चे। ए खान रुक जाओ, खबरदार, वरना तेरी गर्दन से पहले इसकी गर्दन उड़ा देगा। खान अंकल बचा लो। ओए शैतान, मुझसे इंतकाम लेने के लिए एक मासूम बच्चे को उठा लाया, लानत है तेरी मर्दानगी पर, लानत। की जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है खान, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। फेंक तलवार, फेंक तलवार, फेंक। खान अंकल अब होएगा बराबरी का मुकाबला। तू भी निहत्ता, हम भी निहत्ता। कौन उठा खंजर, उठा। अंकल बचा।
रहम पोशो, रहम, रहम नहीं खान, गर्दन, गर्दन के बदले में गर्दन, रहम पोशो, रहम, रहम मौत का मिले, मेरा बच्ची छोड़ ले तो तेरा गर्दन लड़क कर देगा, बच्ची छोड़, छोड़ दे बच्ची, छोड़, छोड़ दे, छोड़, बच्ची छोड़ो, खान अंकल, आजा मेरा बच्ची जगह से हिलेगा नहीं। राजपूत खान, तुम बादशाह खान, फिकर नहीं करना, मैं आ गया हूं। राजपूत खान, बिना बेटी को संभालो तुम। राजपूत खान, राजपूत खान, राजपूत खान, राजपूत खान, बादशाह खान, मेरी हिना बेटी को बचाओ। हिना बेटी बचाएगा राजपूत खान, खुदा कसम हम बचाएगा, हम। राजपूत खान, राजपूत खान, राजपूत। अजीज मिर्जा, चाटा याद है? ओ खबीज, ओ सरमा बहन हमको ठीक बोला, तुम जैसा खद्दार का बीवी होने से बेवाचा, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। खबीज, एक कदम भी आगे बढ़ा तो बच्चे को काट डालेगा। हाँ अजीज मिर्जा, हमने हमारा फैसला बदल दिया फैसला, अब हम इसको जान से नहीं मारेगा बल्कि मौत से भी बदतर जिंदगी देगा इसको, अब समझेगा ये खान, बादशाह का बादशाह। मुल्जिम बादशाह खान, तुम्हें अपना गुनाह कबूल है या नहीं? बादशाह खान, मेरी हिना बेटी को बचाओ, हिना बेटी। कबूल है अंकिया जेलर राजपूत खान का खून, अंकिया उसका खून। मुल्जिम बादशाह खान, यह अदालत तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें सजाए उम्र कैद देती है। भाभी जान, सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है खुदा बख्श, खैरियत नहीं है, मेरे बादशाह खान को कुछ हो गया है। बादशाह खान के रास्ते में अंधेरों ने कब्जा कर लिया है, उसकी मोहब्बत का निशान लड़खड़ा रहा है। जल्दी अपने दोस्त के पास जाओ, जल्दी जाओ हिंदुस्तान, जल्दी जाओ। ख्वाबों की ताबीर उल्टी होती है भाभी जान। ठीक है तो तुम नहीं जाना चाहते, तो मैं जाऊंगी हिंदुस्तान, मैं जाऊंगी हिंदुस्तान। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कल सुबह हम चले जाते हैं। सुबह किसने देखी है खुदा बख्श, अभी जाओ इसी वक्त। क्या बे पठानी चिलगोजे, देख लिया मेरी ताकत का जलवा है? चूहा शेर का मूंछ के बाल से खेलने का हिम्मत तभी करता है जब शेर लोहे का जंजीर में जकड़ा हुआ हो। एक बार जंजीर खोल के देख, सिर्फ हमारा दहाड़ सुन के तुम्हारा पतलून गीला ना हो जाए तो हमारा नाम भी बादशाह खान नहीं। हाथ खोल दो तेरा, मैं गदा हूं, उल्लू का पट्टा हूं जो तेरा हाथ खोलकर अपनी मौत को दावत दूंगा। अरे मैंने तो पाचा से कहा था कि रणबीर के साथ साथ तेरा भी खात्मा कर दे।
लेकिन उसने तुझे बख्श दिया। अरे वैसे तो तुझे काफी सजा मिल चुकी है, पर मुझे तसल्ली नहीं हुई है। चांटा मारा था ना तूने मुझे है? कैसे मारा था? चलिए कमीने, जुर्म तुमने किया और सजा इस हरीफ को भुगतनी पड़ी। क्या खातिर हो रही है यार की है? इससे कहते हैं मुझे दोनों तरफ हाथ बराबर लगी हुई है। यार से मिलने आई है ना, जा मिल उसे, चाट ले उसके हो, निपट जा उसके बदल से। अपने यार का मुंह चाटने आई है और मुझसे उलटती है तू। क्या किया तुम सलमा बहन, क्या किया तुम? वही जो एक बहन को भाई के लिए करना चाहिए। ओ ये कत्ल है, कत्ल। लाओ हमको तो ये नहीं। वो तुम समझता क्यों नहीं है? तुमको फांसी हो गई तो तुम्हारा बच्चा को कौन देखेगा, उसका परवरिश कौन करेगा? लाओ हमको दो। नहीं, हम अपने बेटे की खातिर तुम्हारी बर्बाद जिंदगी को हर बर्बाद नहीं कर सकते। वक्त नहीं है समय पर, लाओ पुलिस आता है, लाओ हमको दो। नहीं, नहीं। दो बोतल। देखो हमारा बात सुनो, तुम ये कत्ल तुम नहीं किया समझो, हमेशा के लिए अपना जबान बंद रखना। अभी तुम जाओ इधर से। नहीं, नहीं। जल्दी जाओ। नहीं। और तुमको तुम्हारा बच्चे का कसम, जाओ तुम इधर से जाओ। बादशाह खान, बादशाह वे, ये तुमने क्या किया, क्या किया तुम? तमाम उम्र के लिए अपने आप को जेल की सलाखों के पीछे कैद करवा दिया, क्यों बादशाह खान क्यों? खुदा बख्शे, शिकवा शिकायत बाद में होए, पहले अपने दोस्त से गले तो लग जा, 5 साल की जुदाई का आग ठंडा हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा इस बदनसीब को। आ जाओ। अच्छा खान, वे लाले तो जान, खुदा बख्श, तू आया ऐसा लगा काबुल आ गया, मेहंदी आ गई, मेरी बेनजीर आ गई। कैसी मेरी बेनजीर? बेनजीर जिस रास्ते से तू हिंदुस्तान आया, उसी रास्ते पर आंखें बिछाए तेरा इंतजार कर रही है वो, तेरे आने की उम्मीद में हर रास्ते पर चिराग जला रखे हैं उसने। बुझा दो उन चिरागों को खुदा बख्श, मेरे लिए उस रास्ते पर चलना मुमकिन नहीं है। मुमकिन है बादशाह खान, जेल की सलाखों को तोड़कर हम तुमको यहां से बाहर निकाल के ले जाएगा। एक काम मैं भी कर सकता है, लेकिन मेरे हाथ लोहे की जंजीर से नहीं दोस्ती के धागे से बांधा है खुदा बख्श। ओए खोचे, दोस्ती दोस्ती दोस्ती, दोस्ती का फर्ज निभाने से पहले तुम सोचा कि तुम्हारे बेनजीर का क्या होगा, मेहंदी का क्या होगा? मेरी मेहंदी अब तुम्हारे हाथों में खेलेगी खुदा बख्श। और बेनजीर, खुदा
तावीज उसको दे देना। तुमको झूठ बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको देखते ही वो समझ जाएगी कि उसका बादशाह मर गया। नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। अपने आप को संभालो खुद बख्श। अभी तुम्हें मेहंदी की परवरिश की जिम्मेदारी संभालनी है। नहीं कर सकता मैं मेहंदी की परवरिश, नहीं बेनजीर को संभाल सकता हूं मैं। वही खोचे तुम हमको देखो, खुद को नहीं संभाल सकता है हम, उन बदतसीबों को कैसे संभालेगा बच्चा खान। मेरे दोस्त, मुझ पर रहम कर, इतना बड़ा बोझ मुझ पर ना डाल। मैं खुदा बख्शू बादशाह खान नहीं। ठीक है, मैं इस जिम्मेदारी से तुझको आजाद कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कह दे कि तू मेरा दोस्त नहीं है। बादशाह खान, ऐसा मत कहो बादशाह खान। खुदा बख्श, एक और एहसान करना। आज के बाद ये राज तुम्हारे और हमारे दरमियान रहेगा। बादशाह खान उन दोनों के लिए मर गया है और तुम्हारे लिए भी। वापस नहीं आएगा भाभी जान। झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो तुम, नहीं झूठ बोल रही हो तुम। बेटी, आपका बेटा झूठ बोल रहा है। नहीं, वो देखो, वो देखो, मेरा बादशाह का नारा है।
अबू हार गए, अबू हार गए, कैसे हार गए, कैसे हार गए, बोलो। हम जीत गए। तू कैसे जीत गई, कैसे जीत गई? मैं जीत गई, मैं जीत गई। क्या हम जीते नहीं क्या? मेरे आंखों में रेत फेंक कर जीता। Everything is fair in love and war. बोलो हम जीते ना? तू जीत गई, खुश हो गई, यही हमारी जीत। तुम्हारी खुशी ही खुदा बख्श की जिंदगी का मकसद है बेटी। अबू, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि तुमने अपने हिस्से के तमाम ख्वाब, तमाम आराम, तमाम खुशियाँ हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दी है, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। बिल्कुल गलत, अपने लिए तुम्हें जो रखा है हमने। खुदा बख्शे। हाँ अम्मी जान, आओ आओ। कौन जीता खुदा बख्शे? जो हमेशा जीतती है दादी अम्मी। हाँ अबू, फौरन इंतजाम कीजिए, हम कार रैली के लिए हिंदुस्तान जाएंगे। क्या कहा तुमने, कहाँ जाओगी? हिंदुस्तान? नहीं नहीं बेटी नहीं, तुम हिंदुस्तान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों क्यों नहीं जाएगा हम हिंदुस्तान? वो अम्मी जान, तुम ही समझाओ इसको। हाँ बेटी, हिंदुस्तान बहुत दूर है और एक जवान लड़की का किसी गैर मुल्क में जाना। दादी अम्मी, यही तो एक मुल्क है जो दुश्मनों को भी दोस्त समझता है। हमारी तो दुश्मनी भी नहीं है, फिर डर किस बात का? वही, लेकिन ज्यादा मत सोचो लहीदी जान, सोच गहरी हो जाए। खुदा बख्शे, इतना मत सोच, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। ये मुई कार रैली क्या है? मुस्कशी जैसा ये खेल है, सही कुड़ंकारे एक साथ दौड़ती हैं, जुम जुम जुम। हर आदमी इस कोशिश में लगा रहता है कि कौन फर्स्ट आएगा। हर मुल्क के लोग कोशिश करेंगे लेकिन फर्स्ट आएगी मेहंदी। लेकिन इतने लोगों का मुकाबला तो कर पाएगी? आजमाइश कड़ी है, इम्तिहान मुश्किल है, लेकिन हौसला बुलंद है। रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। सरजमीने हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वर्दी में खान अंकल, बिल्कुल अपने बाप की तरह। ओ खोचे, हमारा दोस्त राजपूत खान जिंदा होता तो हिना का रंग देखकर खुशी से दीवाना हो जाता। मुबारक हो बहन, मुबारक। मुबारक के हकदार तो आप हैं खान भाई। नहीं बहन, इंसान के सोचने और कहने से कुछ नहीं होता। कलम उसका, मजमून उसका, हम सब तो कोरे कागज हैं। खान अंकल, सच बात तो यह है कि आज जो कुछ भी मैं हूं बस आपकी मेहरबानियों का नतीजा हूं। आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि कभी यह महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पिताजी नहीं है, इसलिए मुबारकबाद की असली हकदार तो आप हैं। ओ नहीं बेटी, क्या बोलता है तू? फिर वही बात, एक बार कह दिया ना कि आप हकदार हैं तो हैं, बस। मामी, आप यहाँ से जाइए, हमें खान अंकल से कुछ जरूरी बात करनी। ओ खोजे, क्या बात करना चाहते तू? चलिए ना, चलिए तो, अब जल्दी से खान अंकल से खान दोस्त बन जाओ। कोई खास बात? हाँ, एकदम खास बात, ध्यान से सुनो। सुनाओ। मेरे साथ ट्रेनिंग में एक लड़का था। लड़का? ओ तुम्हारे कान में एक लड़का भी आ गया? नहीं खान दोस्त, आया वाया कुछ नहीं, लेकिन आने का खतरा है। सुनो, मेरे उस अखड़ू इंस्पेक्टर से मिलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आ...
कालिया डेंजर बोल रहा हूं। अच्छा जमशीद बोल रहा हूँ भाई। क्या हाल है? मुबारक हो भाई, मुबारक। अच्छा ओ हाँ डाया भाई बोल रहा हूँ। आप बोल गांडिया है? अरे वाह मेरे शेर वाह, तू दीवारें तोड़ के आ रहा है दुश्मनों की है? अरे तेरे बाप को सोना भी तो इतना दिया हमने, इंडिया में सोने का भाव पता है क्या है? क्या बात है, कहीं से खजाना हाथ लग गया है क्या? बिल्कुल, और ये रही उस खजाने की चाबी। खजाने की चाबी? अम्मी तुम्हारे ईमानदार बेटे ने आज एक स्मगलर को रंगे हाथों पकड़ा। फिर? हथकड़ी पहनाने ही वाला था कि उसने मुझे रिश्वत की हथकड़ी पहना दी और एक आलीशान बंगले की चाबी मेरे हवाले कर दी। निकल जा इस घर से इसी वक्त, रिश्वतखोर बेईमान। अम्मी बस, बहुत दिनों से तुम्हारे मुंह से ईमानदारी का लेक्चर नहीं सुना था ना। तुम्हारे जैसी मां और अजीज मिर्जा जैसे नेक और ईमानदार अफसर का बेटा ख्वाब में भी कोई गुनाह नहीं कर सकता। और ये रहा सच्चाई का सबूत, सरकार की तरफ से ईमानदारी का इनाम। सर पाशा फोन पर। मुझे बचा लो अब्बू, मेरी तरफ मुझे मार डालेंगे। ओए होश की दवा कर बच्चे, तुझे हाथ भी लगाया तो चीर दूंगा सबको। ओए टेलीफोन दे साले को, टेलीफोन दे।
बोलते हैं फोन दे हरामजादे को। हाँ बोल। ए कालिया, तू इस हरकत का नतीजा जानता है? ए नतीजे की बात मत करना भाई, तू शेर है तो हम पौना शेर जरूर है। फिर कोई धंधे में उल्टा करता है तो उसको झटका देना ही पड़ता है। माल लाओ और बेटा ले जाओ। ओए ताबेदार है कालिया, माल मिलेगा, जरूर मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा, माल भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा, बाकी सब खैरियत है। राजा खान भाई, तुम्हारा राजा जिसे हुकूमत ने बहादुरी और ईमानदारी के लिए ये तमगा दिया है। माशाल्लाह, जवान हो गया है। कितने साल गुजर गया तुम सब के लिए, लेकिन मेरे लिए जैसे वक्त वहीं का वहीं ठहर गया हो, आगे बढ़ा ही नहीं। खान भाई, जिंदगी भर दूसरों का ही दामन भरते रहे हो, कभी अपने दामन के लिए भी। बस सलमा बहन, बस बस। जिनको भुलाने के लिए मैं खुद को भी भूल चुका हूं, मत याद दिला मुझको, मत याद दिला मुझको। जान, अम्मी, अम्मी, अब क्या हुआ अम्मी को? बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों का इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समझ में नहीं आता क्या करें इस बदनसीब के लिए। दिल के जख्म दवाओं से नहीं भरते अम्मी। बेटा, डॉक्टर साहब को बाहर छोड़कर आओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लाइए डॉक्टर। जब भी मैं तुम्हें इस हालत में देखता हूं, बेगुनाह होकर भी खुद को गुनहगार महसूस करने लगता हूं। खुदा कारत करे उस दिन को जब वो मनहूस खबर लेकर मैं हिंदुस्तान। कौन सी मनहूस खबर अबू? कौन सी खबर? खबर? कैसी खबर? ओए लाली दी जान, माय डियर अब्बू, संभालिए अपनी याददाश्त को। अभी अभी अम्मी के सामने शर्मिंदा नहीं हो रहे थे? वही मनोज खबर बेटी, जिसे सुनकर तेरी अम्मी होश खो बैठी थी। हाँ हाँ वही। अब्बू, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? अम्मी को किसी ने गलत खबर दी कि हिंदुस्तान से लौटते वक्त एक मासूम बच्चे की जान बचाते बचाते मेरे अब्बू ने अपनी जान दे दी और उस सदमे से इनकी ये हालत हो गई। लेकिन अब्बू, जब आप जिंदा लौट आए थे तो अम्मी उस सदमे से बाहर क्यों नहीं आई? क्यों नहीं पहचान आपको? बेटी वो आएगा, वो आएगा। अम्मी, अम्मी होश में आओ, जिसको आना था वो आ गया है। देखो देखो अब्बू सामने है। खुदा के लिए पहचानो इन्हें, पहचानो इन्हें प्लीज। वो आएगा, वो आएगा। खुदा बख्शे, इससे पहले कि मेहंदी इस राज को एक घिनौनी साजिश समझ बैठे, बता दे उसे सब कुछ। कोई आहिस्ता बोलो अम्मी जान, दीवारों के भी कान होते हैं। तो फिर उसे हिंदुस्तान जाने से रोक, वो बेनजीर की हमशक्ल है, कहीं बादशाह खान ने उसे देख लिया तो। खुदा के वास्ते चुप करो अम्मी जान, और कभी अपनी जुबान पर मत लाना कि हम मेहंदी का बाप नहीं है। बादशाह खान
तुम हमारा अपू नहीं हो। ये क्या कह रही हो बेटी, यही तो तुम्हारे अपू है। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा धोखा। बगे बेटी, झूठ से झूठ ढकने की कोशिश मत करो। मैंने सब सुन लिया है। जब सब सुन ही लिया है तो ये भी सुन ले कि ये झूठ सच से ज्यादा पाक है। कौन है हमारा अपू? कौन है हमारा अबू? कहाँ है वो? हम नहीं बता सकते बच्ची। क्यों क्यों नहीं बता सकते? हमारी जुबान पर कसम का ताला लगा हुआ है, हम नहीं बता सकता है। झूठ बोल रहे हैं आप, फिर धोखा दे रहे हैं मुझे। कि कसम का ताला नहीं, सिलत का ताला है, लानत का ताला है, शर्मिंदगी का ताला है। वो ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो। जरूर आपने फरेब किया है मेहंदी, जरूर आपने कोई जलील हरकत की है। वे रब का वास्ता है, तुझे जुबान को लगाम दो। हमारी अम्मी को हासिल करने के लिए आपने मेरे अब्बू को रास्ते से हटाया। हो गया ना, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी। आगे ना अश्लील सामने, इसका मतलब है मैंने जो कुछ भी कहा सब सच। तुम गुनेगार हो, मुझे तुमसे नफरत है खुदा बख्श, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। अम्मी, अम्मी खुदा के वास्ते आज तो जबान खोलो, बोलो अम्मी, बोलो मेरा अबू कौन है, कहाँ है वो, बोलो। वो आएगा, जरूर आएगा, वो आएगा। कौन आएगा अम्मी, कौन आएगा, कहाँ से आएगा, बोलो कहाँ से आएगा। ये क्या कर रहा है बेटी, ऐसा कौन सा गुनाह किया है तूने, किस जुर्म की सजा दे रहा है अपने आप को। जान से अजीज बच्ची पर हाथ उठाए मैंने, तोड़ देगा इस हाथ। नहीं खुदा बख्शे, नहीं। गैरतमंद आदमी बात से मर जाता है अम्मी जान। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, गलत समझते मुझे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर जा बेटे, जाकर उनसे पूरी कहानी सुना दे, उतार दे अपने सर से ये इल्जाम। बादशाह खान को क्या जवाब देगा हम, क्या सोचेगा वो मेरे लिए? यही ना कि खुदा बख्श ने उनकी दी हुई कसम तोड़ दी। कसम तूने नहीं बेटे, कसम उस बड़े बादशाह ने तोड़ी है। मेरी बात मान, जा जा के बता दे उसे खुदा का वास्ता, जा। बहनी मेरी बच्ची, अब कौन सा नया धोखा देने आई हो? क्या इतना कहना काफी नहीं कि 18 साल मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं की, जितनी नफरत 18 मिनट में तुमसे हो गई है? ले जाओ अपनी मनोसूरत हमारे सामने से, चले जाओ यहाँ से। ओए मेरी बच्ची, सच जान लोगी तो नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। मोहब्बत में नहीं खुदा बख्श, नफरत दुश्मनी में बदल जाएगी। तुम्हारा गुनाह माफी के लायक नहीं, तुम जहन्नम में जाओगे खुदा बख्श, तुम जहन्नम में जाओगे। ऐसे लफ्ज मुंह से मत निकाल बेटी, जिन्हें सच जाने के बाद तुझे वापस लेने में शर्म आए। खुदा बख्श की कुर्बानियों पर पानी मत डाल। एक लफ्ज और नहीं सुनोगे? सुनना होगा तुझे, एक एक लफ्ज सुनना होगा और हर लफ्ज में यकीन करना होगा तुझे। गला में पाक है ये, इस पर हाथ रखकर शैतान भी झूठ नहीं बोल सकता। हमने तुमको कोई फरेब नहीं दिया बेटी, अल्लाह जानता है हम तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हमारा ये झूठ तुम्हारे अब्बू का दिया हुआ एक उधार था बेटी।
आखिर सच क्या है? सच ये है कि तुम्हारा अबू जिंदा है। हिंदुस्तान में हम उनको लेके आएगा, अम्मी हम उनको लेके आएगा। ओए कौन बोल रहा है? ओए कौन बोल रहा है? ओए कितने बाबे तेरे? मैं बोल रहा हूँ अब्बू। अब्बू जी बोलिए। ओए हिंदुस्तान में गाड़ियों की दौड़ हो रही है, हाँ, और उस दौड़ में हिस्सा लेने के लिए काबुल से एक गाड़ी चली है। काबुल से एक गाड़ी चली है? हाँ, और गाड़ी सफेद दूध जैसे रंग की है। वो सफेद दूध जैसी है? और गाड़ी का नंबर है काबुल 175। काबुल 178? ओए काबुल 175 उल्लू क्या पट है? काबुल 175? हाँ, अपना माल हवाई जहाज में आ रहा है। हवाई जहाज? लेकिन आपने कहा था कि माल गड्डी में आ रहा है। ओ नहीं, ओए ओए गाड़ी हवाई जहाज में आ रही है, माल गाड़ी में आ रहा है। ओए मुझे तो तेरी माँ पर शक होने लगा है, बाकी सब खेरे थे साला, हट। ओए माल आ रहा है। सुस्वागत पधारो, कालिया माल आ गया अपना, आजा आजा आजा। नमस्ते। नमस्कार। हिंदुस्तान का मर्द लोग को देखा हम खुश हो गया। हम सोच रहा था कौन से रास्ते पे जाएगा। जहाँ जहाँ बोलेगा वहाँ तुम जाएगा। ओए खबीस का बच्चा, जहाँ हम बोलेगा तुम वहाँ जाएगा। अच्छा, तुम तो हिंदुस्तान का नामर्द निकला। कबूल चलिए कम ऑन। ओहाय, तुम हमारे कार के नीचे क्या तलाश करता है? मिस अफगानिस्तान, चुपचाप सीधे खड़े रहिए। ओए खबीज का बच्ची, पठान से कैसे बात करता है? हम पठान है पठान, उल्टा सीधा बात सुनने का आदत नहीं है हमको। मैं भी राजपूत हूँ, ये आदत मुझ में भी नहीं है। पासपोर्ट दिखाइए अपना। बदल दो इसे, गाड़ी नीचे करो। है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं। आई एम सॉरी मैडम, योर पासपोर्ट। हम तुमको अच्छा आदमी समझा,
तुम पर भरोसा किया, मगर तुम पठान का बच्चे को बेइज्जत किया। हम तुमको कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। हिना, अब इस अफगानिस्तान पर हमें नजर रखनी होगी। नजर रखनी होगी, मगर अभी तो तुमने कहा था कि वो बेकसूर है। हिना, शतरंज की बाजी को जीतना है तो सोच रही थी कि हमको टूटा लंगड़ा बना के अहमदाबाद चली जाएगी। अरे यो पिस्ता बादाम, नोट कर ले अपनी डायरी में, हम अपने माल की खातिर तो और खाल भी उधर तक आए। ऐ काबुले अनार, पता है किसका माल लेके भागना चाहती थी? कालिया डेंजर है अपन। माल मिल गया बंधु। इसका मतलब वो पुलिस वाला ठीक बोला। ओए खबीज का बच्चा, पठान का बच्ची को बंदूक दिखाता है, हमको बंदूक दिखाता है। चलाओ बड़ी। अरे लाले दी जान, कमाल करता है तुम। Oh my god!
है पुलिस वाला खान, हम तुम्हारा गुनहगार है, चाहे तो तुम हमको गिरफ्तार कर सकता है, हथकड़ी भी पहना सकता है। हिंदुस्तानी मर्द औरतों को हथकड़ी नहीं पहनाते, बल्कि 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 क्या पहनाते हैं? Come on.
ना हमारा मुश्किल न कर दे, जीना हमारा मुश्किल न कर दे, ये प्यार की मेहरबानियाँ तुझ में है वो सब निशानियाँ, सब निशानियाँ। तो तुम उसको लेकर क्यों नहीं आया? मैं तो लेकर ही आने वाली थी अंकल, पर क्या करूं, आपकी कसम जो टूट जाती। कसम? आपने खुद ही हमारी जबान पर ताला लगा रखा है। मैं भूल गया, मैं भूल गया था। मैं कैसे बाप हैं आप अंकल, कैसे बाप हैं आप? बेटी 10 कदम पर है और आप 10 कदम नहीं चल सकते? बेटी को कलेजे से नहीं लगा सकते आप? तुम क्या समझता है, मैं इंसान नहीं? मेरे पास दिल नहीं, पत्थर है। मेरी मेहंदी, मेरे जिगर का टुकड़ा मुझसे 10 कदम पर है, मैं उससे मिलने के लिए बेताब नहीं। तो अपना लीजिए अपनी बेटी को और लगा लीजिए उस बदनसीब को अपने सीने से। बरसों से आप दुखों के फांसी पे लटके हुए हैं, आखिर क्यों? इंसान बने अंकल, इंसान। इस दुनिया में लोग फरिश्तों को पत्थर मारते हैं, जिस्म में कील ठोक देते हैं, गोली मार देते हैं, और फिर आप ही तो कहते हो ना अंकल, मोहब्बत से बड़ा जज्बा नहीं होता। नहीं होता बेटी, नहीं होता मंजूर। ये मेहंदी की मोहब्बत ही है जो मुझे उससे दूर रख रही है, लेकिन अगर उसे मालूम हो गया कि मैं जिंदा हूं, मुजरिम हो, खूनी नहीं। अंकल आप मुजरिम नहीं है, आप निर्दोष हैं। कौन मानेगा ये? सच्चाई की आवाज झूठ के जंगल में कौन सुनेगा? नहीं, नहीं। ये बाप खुद गर्ज नहीं है, जान दे देगा लेकिन अपनी बेटी को शर्मिंदा नहीं होने देगा। वो खुदा बख्श की बेटी बनकर फख्र से जिंदगी जी रही, उसे जीने दो। इस वक्त सिर्फ मैं बर्बाद हूं, ये राज खुल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएगा बेटी, सब बर्बाद हो जाएगा। बेटी इस बदनसीब पर एक एहसान करोगी? जान चाहिए? नहीं बेटी, नहीं, जान नहीं, एहसान। मेहंदी इस मुल्क में अजनबी है, अकेली है, उसका ख्याल रखना। मेहंदी अकेली नहीं है अंकल, उसको एक अच्छा साथी मिल गया है। यहाँ इतनी जल्दी? प्यार का तीर वक्त का मोहताज नहीं होता। मेहंदी और राजा एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। प्यार? ये राजा कौन है? वही मेरा साथी अखड़ू इंस्पेक्टर। भाई आप रिहा हो गए? हाँ सलमा बहन, हुकूमत ने मेरा सलूक की वजह से बाकी की सजा माफ कर दी और मुझको रिहा कर दिया।
खुदा की कसम आपको जेल के बाहर देखकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। आइए आइए खान भाई, आइए आइए। जेल के दरवाजे क्या खुले जैसे काबुल के दरवाजे खुल गए। घर कब जा रहे हो खान भाई? उजड़े हुए दर को घर नहीं कहती सलमा बहन। काबुल अब वो ख्वाब है जिसे मैं महसूस तो कर सकता हूँ लेकिन देख नहीं सकता। ये क्या कह रही हैं आप? वे नजीर के पास नहीं जाएंगे? अपनी बेटी मेहंदी से नहीं मिलोगे? मेहंदी, मेहंदी अब काबुल में नहीं है सलमा बहन, वो यहीं इसी शहर में है। तो फिर उसे साथ लेकर क्यों नहीं आए? जिन मुसाफिरों की मंजिलें अलग अलग हो जाएं, वो साथ साथ नहीं चला करती सलमा बहन। क्या मतलब? सलमा बहन, मैं कानून की कैद से रिहा हूं, मुकद्दर की कैद से नहीं। दिल वीरान हो जाए, जिगर का खून हो जाए, लेकिन लेकिन ये बाप अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं मिल सकता खान भाई? मेहंदी बेटी तुम्हारे राजा से मोहब्बत करती है। हाय अल्लाह, हजार बार राजा के मुंह से नाम सुना फिर भी उसे आपके नाम से नहीं जोड़ सकी। हाँ भाई, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, आपकी बेटी मेरी बहू बने, मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो जमीन पर ही जन्नत मिल जाएगी खान भाई। राजा को भी ये जन्नत नसीब हो, इसीलिए ये बाप अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। मैं समझी नहीं। ओह सलमा बहन, राजा को ये मालूम हो गया कि मेहंदी का बाप ही उसके बाप का कातिल है तो जन्नत दोजख में बदल जाएगा सलमा बहन। वो मेरा बेटी को ठुकरा देगा। क्यों ठुकरा देगा? उसे मेहंदी को कबूल करना ही होगा। मैं समझाऊंगी उसे, मैं बताऊंगी उसे कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। बहुत कड़वा सच्चाई है सलमा बहन। उसका बाप एक नेक और ईमानदार आदमी था। ये कहकर तुम अपने बेटे का परवरिश किया, अभी उसको क्या बोलेगा? ये झूठा, ये बताएगा कि उसके बाप का कातिल खुद उसकी मां है? नहीं सलमा बहन, नहीं। इस जुर्म की सजा मैंने काटी है, वो इसी को सच मानेगा। दबी हुई राख में चिंगारी मत डालो सलमा बहन, चिंगारी शोला बन जाएगा, हम तो जलेगा ही, साथ में उनका मोहब्बत भी चल जाएगा। मां और बाप के साथ साथ बेटी का प्यार भी बिखर जाएगा सलमा बहन। खामोशी, खामोशी ही जख्म का मरहम है सलमा बहन। तुम मेरा बच्ची को खुश रखना, बस यही भीख मांगने आया था तुमसे। खुदा हाफिज सलमा बहन। इस तरह घूर क्यों रहे हो? कौन है आप? जाने मन, जाने मन। ये पठार है, इसका जिस्म से काबुल की मिट्टी का खुशबू आता है। ए, तुम पठार है ना? हाँ, हमारा वतन का है। और तुम खुदा बख्श को तो जानते ही होगा। खुदा, हाँ? खुदा बख्श नहीं, नहीं, नहीं। खान खान खान, बेटी को दुआई नहीं देगा? दुआई? हाँ, तुम हमारा वतन का है। तुम्हें देखा ऐसा लगा हमारा अबू खुदा बख्श आ गया,
वो आज इधर होता तो अपनी बेटी को गले से लगाकर उसके रिश्ते के दिन उसे दुआई देता। उम्र दराज हो बेटी, चुक चुक जियो। अम्मी, कौन था ये? एक ऐसा मुसाफिर जो मंजिल तक पहुंचकर भी मंजिल से दूर है। अम्मी, मैंने पूछा कौन था ये शख्स? तेरे अब्बा के दोस्त थे। अरे राजा, तुम? हेलो शेखर। हेलो। इनसे मिलो, मेरी मंगेतर मेहंदी। नमस्ते। बात दरअसल ये है कि इन्हें अपने अब्बू से मिलना है। हमारा अब्बू का नाम बादशाह खान है। बादशाह खान? बादशाह खान तो रिहा हो चुके हैं। रिहा? हमारा अब्बू रिहा हो गया? आई लाली की जान, ये तो बहुत खुशी का बात है। राजा, राजा तुम्हारे दोस्त को बोलो अगर हमारा अब्बू का कोई तस्वीर है तो दिखा दे, हमने हमारा अब्बू को कभी देखा नहीं ना। प्लीज प्लीज। हवलदार, इन्हें ले जाओ और कैदी नंबर 401 की फाइल दिखा दो। थैंक यू। चलो 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 चलो। राजा, जानते हो राजा, बादशाह खान वो आदमी जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था। जिस आदमी को जहर देना चाहिए था उसे रोज पकवान पहुंचाया जाता था, वो भी तुम्हारे घर से। जिस औरत पर तुम इल्जाम लगा रहे हो वो मेरी मां है। मां, क्यों फीका पड़ गया? हिना ने मेहंदी के रंग पे डाका डाला इसलिए। ये तुम क्या कह रही हो मेहंदी? मैंने तो, हिना ने तो अपना रंग भी मेहंदी को दे दिया। कहाँ है वो? कहाँ है वो चोर? चोर? हिना, तुम्हारे सामने एक ऐसी सच्चाई खड़ी है जिसे देखकर आईना भी झूठ नहीं बोल सकता। कहाँ है वो बेरहम बाप जिसने दूसरों के गिरीबान तो सिर डाले मगर अपनों के ही गिरीबान भूल गया? बेटी बाप के लिए तड़प रही है ना? बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है वो जल्लाद बाप? उन्हें जल्लाद मत कहो मेहंदी, मत करो उन पर और एक जुल्म। अरे वो तो देवता है, देवता। तो बताओ कहाँ है तुम्हारा वो देवता? मुझे माफ कर दो मेहंदी, मैं एक राजपूत की बेटी हूं, वचन नहीं तोड़ सकती। मुझे माफ कर दो मेहंदी, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ, और तुम्हारा भी जन्मदिन के दिन तुम दान करते हो, खैरात भरते हो।
मेरा अब्बू मुझे खैरात में दे दो, मेरा अब्बू मुझे दे दो।
बात है बेटा, वो खुदा के वास्ते बोलो क्या बात है? सब सही सलामत तो है? बादशाह खान मिला ना? मिलते तो अच्छा था। ऐसे क्यों बात कर रही हो बेटी तुम? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। सोचा था 18 साल की जुदाई के बाद मुझे अम्मी की शक्ल में देखकर तड़प जाएंगे, पागलों की तरह मुझे सीने से लगाकर खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बेटी बेटी चिल्लाकर खुद भी रोएंगे और मुझे भी रुलाएंगे। लेकिन लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ छोटे अबू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मुझे पहचान कर भी नहीं पहचान रहे। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा छोटे अबू। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी छोटे। ओए खुदा का वास्ता है तुम्हें, हम सबकी कसम है तुम्हें, ऐसी वैसी हरकत मत करना। हम भाभी जान को लेकर हिंदुस्तान आता है, सुना तुमने? भाभी जान को लेकर हम हिंदुस्तान आता है। अरे राजा बेटा, आज तो जल्दी कैसे घर आ गया? सब खैरियत तो है ना? ये डब्बा आपका ही है ना? मैंने पूछा, ये डब्बा आपका ही है ना? हाँ। कहां भूल आई थी इसे? सलमा बेगम, मां का नाम लेता है बेअदब? तुझे भी शराब ने छू लिया है क्या? तुमने कहा था जेलर अजीज मिर्जा ड्यूटी पर मारे गए थे। मारे गए थे या मरवाए गए थे? क्यों उस पठान को मेरे अब्बा का दोस्त कहा? क्यों उस खूनी को जेल में खाना पहुंचाती रही तुम? क्या अल्लाह, चला जा यहां से, चला जा यहां से कमजोर, चला जा। मैं देख मां अपने बेटे को बद्दुआ दे देगी। मैं तुम्हारी बद्दुआ ही तो हूं सलमा बेगम, बेगुनाह के साथ में पला हुआ तुम्हारी बेवफाई का शिकार। क्या रिश्ता है तुम्हारा उस पठान से? मैं इस सवाल का जवाब लेकर ही रहूंगा, तुमसे नहीं, उस हरामजादे बादशाह खान से। आप हमें छोड़ के जा रहे हो खान भाई? खून का एक कतरा इतनी नजदीक आ गया है कि उसे अपनाए बगैर मैं अब और खुद से नहीं लड़ पाऊंगा। खान अंकल, आप जाएंगे कहां? ऐसी जगह जहां अल्लाह ताला से सबके लिए दुआ मांग सकूं बेटी। और इसके लिए क्या बद्दुआई रह गई है? तुम क्या दुआ है उसके लिए? क्या दुआ है उसके लिए तुम्हारी याद में जिसके बाल तक सफेद हो गए? क्या दुआ है उसके लिए जो तुम्हारे इंतजार में दिन में भी चिराग जलाती रही और खुद भी जलती रही उन चिरागों की तरह? क्या दुआ है उसके लिए जो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर पागल हो गई? पागल? मेरी बेनजीर पागल? हाँ बादशाह खान, तुम्हारी बेनजीर पागल हो गई है।
नहीं, नहीं। 18 साल से एक ही कलमा पढ़ रही है कि वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। या खुदा, ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। या खुदा, ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। बहुत बड़ा। क्या सोच के तुम मुझे ठुकरा रहे हो? इसलिए कि मुझे तुम्हारे किए पर शर्मिंदगी होगी? अब्बू, तुमने जो कुर्बानियां दी हैं, ऐसी कुर्बानी फरिश्ते भी नहीं दे सकते। मुझे शर्मिंदगी नहीं, नाज है तुम पर, नाज है। ओ मेरा बच्ची, मेरा बच्ची, मेरा बच्ची। अब्बू, अब्बू, मेरे रगों में तुम्हारा ही खून है, फिर भी उसे नहीं पहचाना तुमने। अब्बू, तुम्हारे जैसे अब्बू के लिए एक नहीं, हजार राजा ठुकरा सकती हूँ अब्बू, हजार राजा ठुकरा सकती हूँ। बस 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 मेरा बच्ची, बस। चल जल्दी ले चल मुझे काबुल, मेरे बेनजीर के पास ले चल। काबुल यही आ रहा है अब्बू, छोटे अब्बू अम्मी को लेकर हिंदुस्तान आ रहे हैं। यहाँ मेरा बेनजीर, यहाँ मेरा दोस्त, यहाँ। ओ संभालो, संभालो अपने अब्बू को, मेरे बच्ची संभालो। आने की खबर सुनकर पागल हो गया, देखकर कहीं मेरा दिल का धड़कन न बंद हो जाए। चलो मेरे बच्ची, चलो चलो। दिल की धड़कन बंद करने के रास्ते और भी है खान, जो फासला तुम 18 साल में तय नहीं कर पाए वो भी नहीं कर पाओगे। ओए, ओए क्या बोलता है, क्या बकवास करता है तुम? हट जा। राजा, नशा करके आए हो क्या तुम? शट अप। ये क्या है पठान? खून है। किसका? ओ बच्चे, जख्म तेरा तो खून भी तेरा। हलाल का है या हराम का? मैं मतलब नहीं समझे तेरा। हैरत है, तुम्हें तो खून की पहचान होनी चाहिए। दरिया बहाए तुमने इसके, पहले हबीबुल्ला, फिर तुम्हारा अपना दोस्त राजपूत जेलर, उसके बाद मेरा बाप। तुम भूल कर रहे हो राजा। बोल पठान। राजा, तुम मारा मेरे बाप को। क्या करता है ये? बोल, क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरी मां से? ओए खुदा का वास्ता है बच्चे, बंद करो याकूब। कंधे बाप का कंधा खून सर चढ़कर बोला ना, तूने साबित कर दिया कि बाप का काला खून मां के सफेद दूध से भी नहीं धुल सकता। सुनो बहन, अपने बाप की तारीफ सुनना चाहता है तू? नहीं सुनो बहन। तो सुन, तेरा बाप ना शरीफ था, ना ईमानदार, एक शराबी अय्याश था वो। अम्मी, कमीने पाशा का गुलाम था वो, जो पैसों के लिए तेरी इस माँ को बेचने के लिए भी तैयार हो गया था। झूठ है ये? सच है ये, सच है। तेरे बाप का खून इस फरिश्ते ने नहीं किया था, मैंने किया था, मैंने, तेरी अपनी माँ ने। देख क्या रहा है, उठा पिस्तौल, उठा, ताक दी इसकी गोली अपनी माँ की छाती में, दे मुझे सजा, दे। अरे ये तेरी माँ का यार नहीं, भाई है, भाई, सगे भाइयों से भी ज्यादा सगा। कत्ल मैंने किया और सजा इस गरीब को भुगतनी पड़ी तेरे लिए। इसने अपनी बीवी और बेटी के लिए खुद को मार डाला, खुद को मार डाला ताकि मैं जिंदा रह सकूं, जिंदा रह सकूं तेरे लिए। लक्ष्मी बहन को बेवा किया तेरे बाप ने, हिना बेटी को यतीम किया तेरे बाप ने, गोली मार दी राजपूत जिला की पीठ पे और इल्जाम लगा दिया इस बदनसीब पे। अरे कमबख्त, जिंदगी भर इनके पैर धोकर पिएगा तब भी तू इनका एहसान नहीं चुका पाएगा। मेरा
इंस्पेक्टर राजा दावेदार है पाशा। ओए बात यह है गुले गुलजार के काबुल से दो झोंके आए हैं हाँ हवा के और साथ लाए हैं एक अखरोट और एक अखरोटी। अखरोट का नाम है खुदा बख्श तेरा होने वाला ससुर और अखरोटी का नाम है बेनजीर तेरी होने वाली सास। ओए गुले गुलजार ओए तेरा मेरा हिसाब बाकी ओए हाँ बूटी दे जा अखरोट और अखरोटी ले जा। इस गरीब के गरीब खाने का नाम है कब्रस्तान ओए बड़ा अच्छा नाम है नहीं और सुन चालाकी तो बिल्कुल नहीं करना वरना अखरोट और अखरोटी की जगह सिर्फ उनके छिलके मिलेंगे छिलके समझ गया ना। ओए बाकी सब खैरियत है बरगुजार पाशा कौन है भाई पाशा कौन है अरे पाशा कौन है ओए दावेदार है गुले गुलजार नाम छोटा सा है पाशा मगर काम बड़े खतरनाक करता है हाँ बोल बूटी लाया तू आशा आशा पहले इन दोनों को मेरे हवाले कर दे। मिस्टर कब्रिस्तान मेरा निशाना कभी चूकता नहीं अपने आदमियों से कह दे कि अपनी बंदूकें फेंक दे। ओए मक्खन दावेदार है तेरे अरे तू कहे तो बंदूक तो क्या सब कुछ उतार के फेंक दे ओए बंदूक नीचे कर ओए सुना नहीं ओए मैं यहां तेरा जहर लौटाने नहीं आया बल्कि एक एहसान चुकाने आया हूं। मेरे बाप का काला खून मां के सफेद दूध से धुल सकता है एक हिंदुस्तानी भी एहसान का बदला एहसान से दे सकता है। कैसा एहसान ओए? ओए मैंने तो आज तक किसी पे कोई एहसान नहीं किया। पहचान इसे जब तेरे भाई की लाश एक बहादुर पठान यहां से काबुल ले गया था। बादशाह खान जानता है यह पागल औरत कौन है? बेनजीर। बादशाह खान की बीवी? हां तेरे किए हुए गुनाहों की बेगुनाह तस्वीर और ये बादशाह खान का जानी दोस्त खुदा बख्श और ये है जेलर रणवीर सिंह सेकरी की बेटी हिना राजपूत खान। इसे देख ये बादशाह खान की बेटी है मेहंदी। मुझे पहचान हरामजादे मेरा भी तुझ पर उधार है। ओए तेरा कौन सा उधार बरखुरदार? तू ही वो शैतान है ना जिसने मेरे बाप की रगों से खून निकालकर उसमें शराब भर दी थी
पहचान मुझे पाशा, मैं अजीज मिर्जा का बेटा हूं, राजा। तू अजीज, अजीज मिर्जा का बेटा है, ओए मेरे यार का बेटा है तू, ओ अजीज बेटा, और मेरी दोस्ती कबूल कर, और पाशा की दोस्ती कबूल कर, ये तो मार दे, मार दे मुझे, मार दे, ओ अजीज, ओ तेरा बेटा मेरा दुश्मन नहीं सह सकता, नहीं सह सकता, नहीं सह सकता, अजीज ऐसी जिंदगी तो बहुत बेहतर है, मार दे, मार दे। कमीने पाशा, ओए गुले गुलजार, वक्त और किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। ये आकर के जो तरकीब मैंने की ना, ये मालूम है किससे सीखी? ए बादशाह खान से, इसके बादशाह खान से। यही वो खूबसूरत फितना है ना जिसके लिए मेरे भाई की जान गई। ओए बादशाह खान नहीं तो ना सही, ये तो है हबीबुल्लाह का नाम लेकर इसके गले में फंदा डालकर ऐसे खींचूंगा कि काली हो जाएगी साली। तेरा आशिक तुझे पहचान भी नहीं सकेगा। वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, वो आएगा, जरूर आएगा।
नदी तक पहुंचने से पहले ही तेरा नबज बंद हो गया क्या? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पाएगी